हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिक्नोमेट्री। अगर टिक्नोमेट्री इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। इन दिस वीडियो वी कैन एग्जांपल्स व्हिच आर बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो लेट्स बिगिन। बिफोर स्टार्टिंग एग्जांपल्स व्हिच आर बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फर्स्ट वी कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूले, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूलेस। सो फर्स्ट इज साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, सेकंड इज कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, बिकॉज साइन थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस 90 माइनस थीटा होता है एंड कॉस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस होता है और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन थीटा होता है। टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा, sec theta equal to cosec 90 minus theta and cosec theta equal to sec 90 minus theta. So these are the complementary angles formulas. So अभी हम लोग complementary angle के base पे कुछ example solve करने वाले हैं। So example based on complementary angles. Example number first is you load cos 47 upon sin 43 whole square plus sin 72 upon cos 18 whole square minus 2 cos square 45। सो इस क्वेश्चन को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेस पे सॉल्व करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन 47 अपॉन वैल्यू साइन 43, सो इनमें से एक एंगल फिक्स रखेंगे और अदर एंगल को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेस पे सॉल्व करेंगे। सो सिंस कॉस 47 इक्वल टू, अभी कॉस में से अगर हम लोग कॉस 90 में से 43 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग कॉस 47 मिलेगा। सो यहाँ पे हम लोग को ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे थीटा प्लस पे 43, तो यहाँ पे क्या हो जाए साइन 43। ये हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेस पे हम लोग ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फार्मूले के बेस पे हम लोगों ने लिखा है। एंड साइन 72 इक्वल टू साइन 90 माइनस 18 करेंगे तो हम लोग साइन 72 मिलता है। एंड साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे थीटा प्लस 18 है तो कॉस 18 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, कॉस 47 की वैल्यू साइन 43 मिली है एंड साइन 72 की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 18 मिली है। सो आर क्वेश्चन इज कॉस 47 अपॉन साइन 43 होल स्क्वायर प्लस साइन 72 अपॉन कॉस 18 होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। सो यहाँ पे वन बाय वन हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। सो कॉस 47 के हम लोग को वैल्यू मिली साइन 43 अपॉन डिनोमीटर का साइन 43 एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे होल स्क्वायर हम लोग होल स्क्वायर मेंशन करेंगे प्लस साइन 72 की वैल्यू हम लोग कॉस 18 मिली अपॉन कॉस 18 एज इट इज होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट 2। सो यहाँ पे होल स्क्वायर, सो इसका यह भी होल स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू साइन 43 अपॉन साइन 43 डिवाइड करें तो हम लोग 1 मिलेगा। सो इसका स्क्वायर यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे भी सिमिलरली कॉस 18 अपॉन कॉस 18 की वैल्यू 1 होगी, सो यहाँ पे स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है अपॉन रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2, 2 रूट को कैंसिल करेगा सो हम लोग 2 मिलेगा। सो 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1 माइनस यहाँ पे न्यूमरेटर का 2 एंड डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज सेम क्वांटिटी, सो यहाँ पे 1 मिलेगा इक्वल टू 1 और यहाँ पे प्लस और माइनस विल बी कैंसिल आउट। सो फाइनल आंसर हम लोग इसको सॉल्व करने पे 1 मिलेगा। एग्जांपल नंबर 2 इज यू लूट cos 82 माइनस sec 8, इसको हम लोग सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन को हम लोग ने एज इट इज कॉपी करेंगे विच इज इक्वल टू कोसेक 82 को हम लोग लिखते हैं कोसेक 90 माइनस 8 बिकॉज इसको हम लोग एडजस्टमेंट के लिए कर रहे हैं माइनस sec 8 एज इट इज। सो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है, तो यहाँ पे sec 8 हो जाएगा क्योंकि थीटा प्लस 8 डिग्री है माइनस दिस sec थीटा एज इट इज। सो यहाँ पे रीजन देंगे बिकॉज sec थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा होता है, सो sec 8 डिग्री माइनस sec 8 डिग्री कैंसल आउट हो जाएंगे तो हम लोग को जीरो मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज यू लूट 210 53 अपॉन कॉट 37 माइनस कॉट 80 अपॉन 10 10, तो यहाँ पे हम लोग न्यूमरेटर की वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे और डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे,
सो सॉल्यूशन, वी नो दैट 10 थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा होता है एंड cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा होता है. सो बिकॉज हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेस पे सम्स कर रहे हैं तो हम लोग इस फार्मूले को यूज करेंगे. सो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन 2 tan 53 अपॉन cot 37 माइनस cot 80 अपॉन 10 डिग्री. सो इज इक्वल टू 2 × 10 90 माइनस 37. यहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट किया, 90 माइनस 37 करेंगे तो हम लोग 53 मिलेगा एंड अपॉन cot 37 एज इट इज माइनस cot 80 को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस 10 अपॉन 10 इक्वल टू 2 × 10 90 माइनस 37 क्या होगा, 10 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है. सो यहाँ पे cot 37 हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर cot 37 एज इट इज माइनस cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा होता है. तो यहाँ पे cot 90 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 10 अपॉन डिनोमिनेटर 10 एज इट इज होगा विच इज इक्वल टू यहाँ पे cot 37 cot 37 विल कैंसिल आउट सो हम लोग 2 मिलेगा माइनस और यहाँ पे 10 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज सेम है. सो यहाँ पे माइनस 1 मिलेगा एंड 2 माइनस 1 क्या तो 1. सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एग्जाम्पल नंबर 4 इज प्रूडेट. यहाँ पे हम लोग प्रूडेट के क्वेश्चन करेंगे विच आर बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सो प्रूफ करने के लिए फर्स्ट हम लोग LHS कंसीडर करेंगे. सो माय LHS इज sin 90 माइनस ए इंटू cos 90 माइनस ए. सो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है. सो यहाँ पे cos ए आ जाएगा इंटू cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin ए होता है. तो यहाँ पे sin ए आ जाएगा. रीजन फॉर दिस इज sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा एंड cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा. सो दिस आर द रीजन. आफ्टर दैट हम लोग RHS का पास कंसिडर करेंगे. सो RHS इज 10 ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर. सो 10 ए को एज इट इज लिखें अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर होता है बिकॉज ये हम लोग ने आइडेंटिटीज का फार्मूला देखा है. सो आइडेंटिटीज फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सो अगर हम लोग 10 स्क्वायर थीटा को वहाँ पे लेंगे तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा. अगर आप लोगों ने आइडेंटिटीज के बेस्ड इस क्वांटिटी को प्रूफ कैसे करते हैं, अगर इसका वीडियो नहीं देखा तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ. तो वहाँ पे जाके आप लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कैसे प्रूफ कर सकते हैं एज वेल एज मैंने आइडेंटिटीज के बेस पे कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हैं. तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. सो 10 ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन sec स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर है बिकॉज sec का स्क्वायर है तो cos का स्क्वायर हो जाएगा और sec और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. सो विच इज इक्वल टू sin अपॉन cos एज इट इज, डिवीजन का साइन है तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी का साइन यूज करेंगे, 1 अपॉन cos स्क्वायर विच इज इक्वल टू sin अपॉन cos को एज इट इज मैंने कॉपी किया है एंड अगर हम लोग डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमेटर में हो जाएगा और डिनोमेटर न्यूमरेटर में हो जाएगा. सो हम लोग मिलेगा कॉस स्क्वायर है विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, कॉस है कॉस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा. सो हम लोग मिलेगा साइन है इंटू कॉस है. सो दिस इज नथिंग बट आवर RHS. सो यहाँ पे हमने कंक्लूड किया कि LHS इज इक्वल टू RHS. सो हम लोग का जो रिक्वायर्ड आंसर था वो यहाँ पे मिल गया. आई होप आपको समझा होगा. एग्जाम्पल नंबर 5 इज cos 38 माइनस cos 38 इंटू sec 90 माइनस 2 है इक्वल टू 1. फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए. सो इसके प्रीवियस वीडियो हम लोग को समझ दिए रहते, हम लोग सॉल्व करते थे एंड जस्ट हमने सॉल्व किया एक क्वेश्चन प्रोडक्ट के बेस पे एंड यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं हाउ वी कैन फाइंड द एंगल्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सो सोल्यूशन फॉर दिस इज आवर गिवन क्वेश्चन विच इज इम्प्लाइज cos 38 इंटू sec 90 माइनस 2 है तो यहाँ पे सिर्फ 90 माइनस थीटा फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि कोसेक थीटा होता है, थीटा प्लस पर 2 है तो 2 है विच इज इक्वल टू 1. सो cos 38 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 38 को एज इट इज कॉपी करेंगे इंटू कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin 2 बिकॉज sin और कोसेक आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर विच इज इक्वल टू 1 विच इज इम्प्लाइज cos 38 इक्वल टू यहाँ पे LHS में sin 2 है, डिवीजन में हम लोग इसको RHS में लेंगे सो वो sin 2 हो जाएगा विच इज इम्प्लाइज cos 38 का यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो cos 38 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 52 विच इज इक्वल टू
साइन टू है। यहाँ पे हम लोग कॉस का एडजस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आरएचएस हम लोग साइन है तो एलएचएस की वैल्यू को भी साइन में कन्वर्ट करेंगे। सो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो थीटा प्लस में 52, तो यहाँ पे 52 आएगा विच इज इक्वल टू साइन टू ए विच इज इम्प्लाइज साइन साइन एलएचएस एंड आरएचएस सेम है सो कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे 52 इक्वल टू 2a मिलेगा एंड यहाँ पे RHS में 2 से मल्टीप्लाई है तो हम लोग उसको LHS में लेंगे। सो 52 अपॉन 2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू ए। सो 52 अपॉन 2 इज 26 इक्वल टू ए। सो एंगल ए इज 26 डिग्री। सो यहाँ पे हम लोग एंगल ए की वैल्यू सॉल्व किए। आई होप आपको समझा होगा कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। एंड अगर आपको जानना है कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कैसे प्रूफ करते हैं तो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। सो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं। सो अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 1047 माइनस कॉट 43 एंड एग्जाम्पल और सेकेंड इज साइन 15 इंटू कॉस 15 माइनस कॉस 75 इंटू साइन 75। सो आप लोग इसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको ये समझा कि नहीं या आपको क्या डिफिकल्टी हो रही है, उसका आंसर आपको एज सून एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई दूंगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।